इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपना नाम, अपना सब कुछ जोमेटो ऐप में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जोमेटो ऐप को ओपन करना है, उसके बाद आपको साइन अप करना है। आप फेसबुक से साइन अप कर सकते हैं या फिर गूगल से भी। तो हमको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मेरी फ़ोटो आप देख सकते हैं अरुण सिंह नाम से, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। आपको एडिट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपकी बैकग्राउंड की फ़ोटो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कई सारी फ़ोटोज़ हैं, मैं बैकग्राउंड की फ़ोटो नहीं चेंज करने वाला, मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करूँगा। तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद आपको एडिट फ़ोटो पर क्लिक करना है। एडिट फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आप फ़ोटो को डिलीट कर सकते हैं, आप फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। तो फ़ोटो को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो परमिशन अलाउ कर देना। उसके बाद आप कोई भी एक फ़ोटो आप लगा सकते हैं, जो भी आपको फ़ोटो अच्छी लगे आप वो फ़ोटो लगाकर प्रीव्यू कर सकते हैं। और आपको वो प्रीव्यू में अगर फ़ोटो अच्छी लगती है तो डन कर दीजिएगा। जैसे ही आप डन पर क्लिक कर देते हैं आपकी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं और अपने बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने के बाद आप सेव चेंजेस पर जैसे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो, आपकी नाम, आपका प्रोफाइल सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप नाम भी अपना बदल सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं और आप रिव्यू भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगा उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं तो ऐड रिव्यू पर जाइएगा, रेस्टोरेंट सर्च कीजिएगा और आपको वो रिव्यू लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आप कैसे किसी का रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीनिवास वेज नाम से कोई रेस्टोरेंट है जिनके पास कल गए थे, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पर ऐड रिव्यू का ऑप्शन दिखता है, तो ऐड रिव्यू पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको जो भी अपना अच्छा लगे रिव्यू आप उस हिसाब से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छी लगी आप वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर फैमिली प्लेस है तो आप फैमिली प्लेस का टैग दे सकते हैं। उसके बाद आप फ़ोटो आपने खींची हो तो आप फ़ोटो भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं और अपना रिव्यू यहाँ लिख सकते हैं। तो जो भी रिव्यू आपको अच्छा लगे आप उसके बारे में वहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रिव्यू लिख दिया दोस्तों और मैं सबमिट डाइनिंग रिव्यू कर देता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ मेरा रिव्यू यहाँ पर आ जाएगा और जो रिव्यू दिया है मैंने यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपना रिव्यू यहाँ लिख सकते हैं। अगर रिव्यू गलत हो गया है तो आप एडिट रिव्यू जाकर कर सकते हैं, एडिट करके दोबारा से अपडेटेड डाइनिंग रिव्यू कर दीजिएगा। इस तरीके से आप रिव्यू दे पाएंगे।